गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज अपन चैप्टर नंबर टू का अगला भाग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर टू है टू का, अपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था। आज अपना सेकंड पैराग्राफ की काल क्रमण से लेकर अपन यहाँ तक प्रतिनिधिता यहाँ तक अपने इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये है मौखिक प्रश्न दो और लिखित प्रश्न का एक। तो अब इसके अंतर्गत क्या है, मौखिक प्रश्न के अंतर्गत मौखिक प्रश्न के अंतर्गत आएगा एक पदिन, एक पदिन उत्तम लेखक। और इसके अंदर आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको करने हैं। एक पदिन आएंगे वो आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे एक पदिन, पहले प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ ऊपर लिखेंगे एक पदिन उत्तम लिखक। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक, यहाँ पे दो आ जाएगा, दोनों में लगाओगे। फिर यहाँ पे प्रश्न एक आएगा, पूरा लिखेंगे, फिर उसका उत्तर, उसका वन वर्ड में उत्तर लिखना और फिर वन लाइन। फिर सेकेंड पूरा लिखना, फिर वन उत्तर लिख के वन वर्ड में और फिर नीचे जगह छोड़ेंगे। तो आपको ये पता है कि प्रश्न करने और इसके जो फर्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर टू है उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, आज अपन सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। काल क्रमेण स गज वृद्धावस्था मु उपगत। काल क्रमेण यानी समय के अनुसार या समय के साथ, स यानी वह, गज यानी हाथी, वृद्धावस्था यानी वृद्धावस्था में, उपगत यानी वृद्ध हो गया, वृद्धावस्था में पहुंच गया। तो समय के अनुसार वह हाथी क्या हो गया, बूढ़ा हो गया या वृद्धावस्था में पहुंच गया। संप्रति यानी वह, संप्रति यानी अब, स यानी वह, भार बहने, भार को वहन करने में, अपि यानी भी, असमर्थो यानी असमर्थ, अभवत यानी हो गया, अब वह भार उठाने में भी असमर्थ हो गया, अब वह किसी का भार उठा नहीं सकता था। तो समय के साथ वह हाथी वृद्धावस्था में पहुंच गया या समय के साथ वह हाथी बूढ़ा हो गया। अब वह भार बहने, अब वह भार उठाने में भी असमर्थ हो गया, अब उसको उसे कोई भार नहीं उठाया जाता था, भार उठाने में वह असमर्थ हो गया। नप स्नेहवशात तम प्रसादे, नप यानी राजा, स्नेहवशात यानी प्रेम के कारण या स्नेह के कारण, तम प्रसादे उसे, प्रसादे यानी महल में, एव यानी ही, अरक्षत यानी, अरक्षत यानी अपनी रक्षा में, भोजन पानी, अरक्षा यानी अपने जो सेवकों के द्वारा भोजन पानादि भी, भोजन पानी आदि भी, तस्य यानी उसे, तस्याम यानी उसकी, सेवाम यानी सेवा, अकार्यत यानी की। तो राजा ने स्नेह के कारण उसे महल में ही रक्षत उसकी रक्षा करते हुए, या अरक्षत यानी सिपाहियों के द्वारा या सेवकों के द्वारा भोजन पानी आदि की, आदि के द्वारा तस्या सेवा उसकी सेवा अकार्यत यानी की। तो राजा ने स्नेह के कारण उसे महल में ही रखकर भोजन पानी आदि से उसकी सेवा की। क्षीण आयु, क्षीण आयु यानी क्षीण यानी कमजोर हो गया था, क्षीण आयु यानी कमजोर आयु, वह आयु के साथ कैसा हो गया था, कमजोर हो गया था। स यानी वह, गज यानी हाथी, स्नेह स्नेह यानी धीरे धीरे, रुग्णो भूत्वा बीमार होकर, अतीव यानी अत्यधिक, कृश यानी दुबला, जात यानी हो गया, क्षीण आयु आयु बढ़ती आयु के कारण वह हाथी धीरे धीरे बीमार हो गया और बीमार होकर वह बहुत दुबला हो गया था। तो अपने लिखेंगे समय के साथ वह हाथी वृद्ध वृद्धावस्था में पहुंच गया या वृद्ध हो गया, अब वह भार वहन करने में भी असमर्थ हो गया, राजा स्नेह के कारण उसे महल में ही रखकर भोजन आदि के द्वारा उसकी सेवा करने सेवा की। क्षीण आयु यानी बढ़ती हुई आयु या के कारण वह हाथी धीरे धीरे बीमार होकर
बहुत ही दुबला पतला हो गया या कशका या दुबली पतली उसका शरीर हो गया। नप अनेके उपचारे तम यथा कश्चितम अरक्षत। राजा ने अनेक उपचार करवा के उसे जैसे तैसे उसकी अरक्षत यानी रक्षा की या उसको जीवित रखा या रक्षा की। राजा ने अनेक उपचार करके जैसे तैसे उसकी क्या की यथा कश्चित जैसे तैसे उसकी रक्षा की। तदा एकस्य मंत्रिण परामर्शेण नृपति। तदा यानी तब एकस्य यानी एक मंत्रिण यानी मंत्री की परामर्श यानी सलाह से नृपति यानी राजा ने तम गज उस हाथी को एकम ग्रामम अनयत एक गांव में अनयत मतलब लेकर गए। राजा ग्रामवासीभ्य गजम समर्पिता आदिशत। राजा ने ग्रामवासी यानी ग्रामवासियों को गजम यानी हाथी समर्पित यानी सौंप कर आदिशत यानी आदेश दिया। तो राजा ने अनेक उपचार कर जैसे तैसे उसकी रक्षा की या उसको उसकी रक्षा की। तदा एकस्य तभी एक मंत्री के परामर्श से राजा ने उस हाथी को एक गांव में लेकर गए। तो यहाँ कह सकते हैं तब एक मंत्री के परामर्श से राजा ने उस हाथी को एक गांव में लेकर गए या एक गांव में लेकर आए यानी मंत्री के परामर्श से राजा उस हाथी को एक गांव में लेकर आए। राजा ग्रामवासिना गजम समर्पित्वा आदिशत। राजा ने ग्रामवासियों को हाथी सौंप कर आदेश दिया। ऐश मम प्रिय गज अस्ति। ऐश मतलब यह मम यानी मेरा प्रिय यानी प्रिय गज यानी हाथी अस्ति यानी है यह मेरा प्रिय हाथी है। यूयम सर्वे सावधान तया भोजन पानादिपि अस्य सेवां कुरुत। यूयम यानी तुम सब सर्वे यानी सभी सावधान तया सावधानी पूर्वक भोजन पानी आदि से अस्य सेवां कुरुत इसकी सेवा करो। तो राजा ने ग्रामवासियों को हाथी सौंप कर आदेश दिया कि यह मेरा प्रिय हाथी है तुम सभी सावधानी पूर्वक भोजन पानी आदि से इसकी सेवा करो। यह कोऽपि अस्य मृत्यु समाचार मा श्रावयति श्रावयति। यह यानी जो कोऽपि यानी कोई भी अस्य यानी इसकी मृत्यु यानी मृत्यु का समाचारम यानी समाचार माँ यानी मुझे श्रावयति सुनाएगा। जो कोई भी इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा अहम तस्मै मृत्युदंडम दास्यामि इति कि जो कोई भी इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा मैं उसे तस्मै यानी उसे मृत्युदंड दास्यामि यानी दे दूंगा। तो राजा ने कहा कि जो कोई भी इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा तो मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। इत्युक्त्वा भूप इत्युक्त यानी इतना कहकर भूप यानी राजा स्वप्रसादम अपने महल की ओर प्रतिनिवृत्त यानी लौट गया। तो इतना कहकर राजा अपने महल की ओर लौट गया। तो वापस इसमें पढ़ सकते हैं तो राजा ने अनेक उपचार करके जैसे तैसे उसकी रक्षा की तभी एक मंत्री के परामर्श से उस हाथी को एक गांव में लेकर आए। राजा ने ग्रामवासियों को हाथी सौंप कर कहा यह मेरा प्रिय हाथी है तुम सब इसकी सावधानी पूर्वक भोजन पानी आदि से इसकी सेवा करो। जो कोई भी इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। इतना कहकर राजा अपने महल की ओर लौट गया। अब आपको क्या करना है इसके अंतर्गत जो ये प्रश्न है सेकंड प्रश्न सर्वेषु वानेषु क नृपस्य प्रिय अभवत। कौन प्रियता तो क के स्थान पर अपन को लिखना है गज। मंत्रिणा परामर्शेन नृपति गजम कुत्र। मंत्री के परामर्श से राजा हाथी को कहाँ ले गया था एकम ग्रामम एक गांव में। हस्तिना मृत्यु समाचार नृपाय क निवेद्यत। हाथी की मृत्यु का समाचार राजा के समक्ष कौन निवेदन करता है वृद्ध जन बूढ़ा व्यक्ति। गजस्य मृत्युना के चिंता तुरा अभवन। गज की हाथी की मृत्यु से कौन चिंतित थे गाँववासी यानी गाँव के लोग। अब यहाँ पे नृपस्य गज अवस्था उपगत
राजा का हाथी किस अवस्था को प्राप्त हो गया था? वृद्धा अवस्था को। नृपति तम गज अनेत्र, राजा उस हाथी को लेकर आए, कहाँ लेकर आए थे? नगर में, कृषक में या ग्रामम यानी गांव में? तो ग्रामम। एतत् समाचार एक वृद्ध उपगत्य, यह समाचार एक वृद्ध उपगत यानी पहुँचा, कहाँ पहुँचा? राज्यसभा में, राज्यसभा में जाकर यह समाचार सुनाया। तो अब आपको इसमें प्रश्न नंबर दो और प्रश्न मौखिक का प्रश्न, देखो मौखिक का प्रश्न नंबर दो और लिखित का एक अभ्यास प्रश्न के रूप में होमवर्क में नोटबुक में करने हैं, और इसके जो आगे का अगला पैराग्राफ अभ्यास प्रश्न अपन अगली बार करेंगे।